The remaining two questions are current ratio of a company is 2.4:1. कितना हो गया आपका 2.4:1, ठीक है। करंट लायबिलिटी होगी आपकी 2 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी होगी 2 लाख होगी, ठीक है। इसका मतलब करंट रेशियो क्या होता है आपका, तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये है आपका 2.4। तो आप करंट एसेट्स आप यहां से फाइंड कर सकते हो, कितना आपका 2 लाख, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये करंट एसेट्स आ जाएगा आपका 4 × 2 = 80 हो जाएगा, 4,80,000। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है सब्सिक्वेंटली इट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, ओके, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40। आपने गुड्स को बेचा कितने की 1 लाख, प्रॉफिट कितना 40, हाफ ऑफ विच वॉज ऑन क्रेडिट, हाफ ऑफ विच वॉज ऑन करंट आपसे पूछा जा रहा है। करंट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है भाई, मान लो चलो ये आपने कितने, ये आपने बेचा स्टॉक, ठीक है, ये आपने बेचा स्टॉक, स्टॉक बेचा तो स्टॉक आपका 1 लाख कम हो गया, ये क्लियर है। यस, स्टॉक बेचा वो 1 लाख से कम हो गया होगा आपका। अच्छा, आपने जब उसको बेचा है तो कैश बिजनेस में इंक्रीज हो गया होगा भाई, हाफ ऑफ विच वॉज ऑन क्रेडिट, तो 70,000। देखो आपने बेचा 1 लाख का जो स्टॉक बेचा आपने 40% प्रॉफिट में, तो पहले तो ये चीज क्लियर रखो कि आपने 1 लाख 40,000 में बेचा है, क्योंकि 1 लाख का 40% होता है 40,000। इतना क्लियर है आपको, पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपने बेचा है उसको बेचा है 1,40,000 में, फिर तो 70,000 तो आपको कैश मिला है, 70,000 का आपका केस बन गया डेटर का। दोनों चीजों में आपका जो करंट एसेट्स है वो बढ़ गया, कि दोनों ही करंट एसेट्स होते हैं, ये क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ का कोई डाउट है तो बताओ। तो ये था आपका 4,80,000, 4,80,000 में आप ऐड कर दो 1,40,000, तो करंट एसेट तो भैया आपका हो गया 5,20,000, ठीक है। और जो आपकी करंट लायबिलिटी थी वो कितनी थी 2 लाख, तो मैं वो कैसे हुआ है 1,40,000 ऐड करके आपका हो गया 0,000, ये हो गया आपका 6,20,000, 6,20,000 में से ये स्टॉक माइनस कर दो 1 लाख का, तो ये हो जाएगा 5,20,000। क्लियर हो गया ये आपको, भैया टोटल हो गया 6,20,000, इसमें से 1 लाख का ये हटा दो तो करंट एसेट तो हो गया 5,20,000। लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको 2 लाख से डिवाइड कर दो, तो ये 4,0 तो आपका ऐसे 2, 1 = 2, 0, 2, 2 = 4, 2, 6 = 12, तो ये हो जाएगा 2.6:1, इज इट क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन आपका असर्शन कितना, गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस इज कैपिटल प्रॉफिट, रनिंग अगर आपने कोई किसी का चलता चलता बिजनेस खरीद लिया तो उसमें जो आपको फायदा होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं होता है, ट्रू ट्रू है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। भाई कैपिटल प्रॉफिट आपको पता होगा ये रिस्ट्रिक्टिव होता है, हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, तो शेयर होल्डर को देने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या है ट्रू है, ट्रू, ये भी आपका क्या ट्रू है, राइट। ए पार्ट, तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये इसका रीजन हो गया कि सच प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल, आपने कहा कि परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और ये जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड के में नहीं यूज होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो उसमें ये आपका ठीक है एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ इट, क्यों इन प्रॉफिट को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो ये कनेक्टेड हो रहा है एक दूसरे से, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका जो एग्जांपल पेपर 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया।